अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इत्मीनान महसूस होता है। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह कि हमें कायनात में एक रब्त नज़र आता है, एक इंतज़ाम नज़र आता है। हम चीज़ों को जब भी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कुछ कवानीन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो इन चीज़ों के मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके बिहेवियर को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये तमाम कवानीन कहाँ से आए, कायनात की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ कहाँ से कायनात को मिली, क्या ये प्रॉपर्टीज़, क्या ये कवानीन कायनात ने खुद ब खुद हासिल किए, या ये कवानीन, ये प्रॉपर्टीज़ कायनात को किसी ने दी। आज हम जिस थ्योरी के बारे में, जिस हाइपोथेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसे फाइन ट्यूनिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही हाइपोथेसिस है जैसा कि मल्टीवर्स का हाइपोथेसिस है। लेकिन हमें इस हाइपोथेसिस को पढ़ के पता चलेगा कि कायनात में जितना भी इंतज़ाम है उसकी तमाम कोशिश ये है कि कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ हो सके, लाइफ कायनात में एक्सेल कर सके, बढ़ सके। तो कायनात की फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आई, ये आज का सवाल है। और इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं एक सफ़र पर, और इस सफ़र में आपको मैं दिखाऊंगा वो तमाम शवाहिद जिसे हमें कुछ अंदाज़ा होगा कि कायनात की ट्यूनिंग कहाँ से हो रही है और कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा एक बायोस्फीयर में जो कि है एरिजोना में, एरिजोना यूएसए। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर हम कुदरती तौर पर इंसान लाइफ का इकोसिस्टम बनाते हैं। मैं आपको यहां पर एक बायोस्फीयर दिखा रहा हूं और इस बायोस्फीयर में हमने मुख्तलिफ किस्म की इमारतें बनाई और क्लोज सिस्टम बनाया, कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सकती थी। ऑक्सीजन भी खुद बनाते थे, प्लांट्स उगाए, जानवर बीच में रखे गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको मॉनिटर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफ को शुरू में इस बायोस्फीयर में पनपने के लिए, परवान चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, और फिर इसके तमाम पैरामीटर्स, छोटे छोटे पैरामीटर्स, तमाम केमिकल्स को, इसकी एटमॉस्फेयर को, सनलाइट की एनर्जी को, आर्टिफिशियल एनर्जी को जो कि बल्ब से या आर्टिफिशियल लाइट से आ रही है, उन तमाम पैरामीटर्स को हमें ट्यून करना पड़ा 2 सालों के लिए, और उसके बाद इस बायोस्फीयर में ज़िंदगी परवान चढ़ सकी। तो एक छोटे से बायोस्फीयर के लिए भी हमें ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो फिर क्या कायनात में लाइफ किसी ने ट्यून की, या कायनात ने खुद ब खुद अपनी ट्यूनिंग ऐसी की, अपने पैरामीटर्स की ट्यूनिंग ऐसी की कि यहाँ पर ज़िंदगी परवान चढ़ सके। और जब मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ तो मैं कार्बन बेस्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ, जिसमें परिंदे भी आते हैं, जिसमें जानवर भी आते हैं और जिसमें इंसान भी आते हैं। इसके अलावा लाइफ की जितनी भी शक्लें हैं जो हम नहीं जानते, उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बयान नहीं किया गया। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि लाइफ से मेरा मतलब, उसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी को कंज्यूम करती है, यूज़ करती है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि लाइफ को कायनात में परवान चढ़ने के लिए 3 किस्म की ट्यूनिंग की ज़रूरत है, और वो ट्यूनिंग है लॉज ऑफ नेचर की, ऐसे लॉज जिनसे कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ हो सके, फिर फिज़िक्स के कॉन्स्टेंट्स की जिनको हम डिटेल में देखेंगे, और इनिशियल कंडीशंस की, उन कंडीशंस में जिनमें हमारी कायनात की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉज ऑफ नेचर की तरफ, क्योंकि हमारी कायनात के नीचे कुछ ऐसे लॉज काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कायनात पर आज ज़िंदगी है, हमारी ज़मीन पर आज ज़िंदगी है। अगर ये राइट सेट्स ऑफ लॉज ना होते तो शायद यहाँ पर ज़िंदगी ना होती। मैं आपको ऐसे 14 मुख्तलिफ लॉज दिखा सकता हूँ जो कि हेल्प करते हैं नेचर की ताकि वह ज़िंदगी को परवान चढ़ा सके, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और फिर क्वांटाइजेशन के लॉज को हम कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ, जो कि हमें न्यूटन ने भी दिया और बाद में हमें आइंस्टाइन ने भी उसके बारे में बताया कि 2 चीज़ें जो हमेशा मैस रखती हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
और ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट को तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिमुलेशन से, कंप्यूटर सिमुलेशन से हमें ये पता चला कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम थोड़ा सा बढ़ा दें या कम कर दें, उसे एल्टर कर दें, तो हमारी यूनिवर्स में स्टार्स नहीं बनेंगे। हमारी यूनिवर्स में स्टार्स नहीं बनेंगे इसका मतलब रोशनी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, प्लैनेट्स नहीं बनेंगे, और फिर हमारे पास कोई ऐसे एनर्जी सोर्स नहीं रहेंगे जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकें, और लाइफ ने तो एनर्जी के साथ ही जिंदा रहना है, तो हमारी कायनात में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तमाम जो रिसर्च है इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट की गई है, और इस रिसर्च को सिमुलेट किया जाता है बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स में। हमने ग्रेविटेशन लॉ को देखा कि अगर उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। लेकिन हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाते हैं, दो चार्ज आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, हमें पता है, और उसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि एटम्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा अल्टर करें तो उसका जो असर होगा वो ये होगा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द स्पिन करना बंद कर देंगे। अब एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रहेंगे, तो जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रहते तो हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है हमारी, हमारी फिजिक्स भी ख़त्म हो जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स नहीं बन सकते, इस लिहाज से लाइफ नहीं आ सकती ज़मीन पर। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक शक्ल है जो कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लाइट वेव एनर्जी लेके जाती है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई चेंज आएगी तो तमाम रोशनी पर उसका इफेक्ट आएगा, और उसका वर्स इफेक्ट ये होगा कि लाइट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी हमारी कायनात से। इसी तरीके से बाकी जितनी रेडिएशंस हैं उनके बारे में भी बताया गया कि अगर वो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हम चेंजेस ज़्यादा करेंगे तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आज एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वो ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम रेडिएशंस ख़त्म हो जाएंगी और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगी। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। लेकिन इस फोर्स को अल्टर किया जाए तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, अगर इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया जाए तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे और ना ही उनके आइसोटोप्स होंगे, तो लाइफ तो यहीं पर ख़त्म होगी, और अगर उसको वीक कर दिया जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होगी। तो इस लॉ को, इस फोर्स को भी छेड़ने के बाद हमारी कायनात पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें और उसको भी अल्टर करें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें स्टार्स की फॉर्मेशन में फ़र्क मिलेगा, हमें हैवी मेटल्स जो हमारी ज़मीन पर गिरती हैं जब भी सुपरनोवा होता है उनके रेमिनेंट्स आते हैं दूर दराज से, गैलेक्सी से वो हमारी ज़मीन पर गिरते हैं और हमें लोहा मिलता है, हमें हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, और इन्हीं हैवी एलिमेंट्स को, मेटल्स को हम यूज़ करके टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। मसलन आयरन की बात कर लें तो आपके पास अगर आयरन ज़मीन पर नहीं आ रहा तो फिर आप टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। तो एक ख्याल ये भी है कि हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पर लॉज ऑफ नेचर ऐसे हैं जो कि इंसानी लाइफ को तो ज़मीन पर परवान चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी मदद दे रहे हैं। तो यूनिवर्स ऐसी बनाई गई है जिसमें इंसान को टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जा रहा है। हमने बड़ी चीज़ों को देख लिया, लेकिन अब छोटी चीज़ की तरफ आते हैं, एटम की तरफ आते हैं। एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो वो रेडिएशन देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, उससे उसकी एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए या कम होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उसे न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर देना चाहिए, लेकिन होता तो ऐसा नहीं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमें बोहर ने बताई, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स या ऑर्बिट्स ले सकते हैं जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, वो हर जगह पर मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ क्वांटाइजेशन के इस प्रिंसिपल के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ थी वो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, जिसमें उन्होंने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल को या एक क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। मैंने यहाँ पर उसकी जेनेरिक डेफिनेशन आपको दिखा दिया, तो हमारे पास अगर 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है तो इसमें एक ही स्टेट के दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दो फर्मियॉन्स नहीं हो सकते। ये इतना अहम प्रिंसिपल है क्योंकि इस प्रिंसिपल की वजह से
आज हमें जमीन पर मैटर नजर आते हैं। अगर इस प्रिंसिपल को खत्म कर दिया जाए तो हमें जमीन पर मैटर नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है साइंसदानों का। बल्कि हर चीज जो कि सॉलिड है, जो कि मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर हम अल्टर कर दें तो हमें हमारी कायनात में मैटर नहीं मिलेगा। मैंने आपको कुछ लॉज ऑफ नेचर के बारे में बता दिया, अब कुछ कांस्टेंट ऑफ फिजिक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम बचपन में कोई फॉर्मूला पढ़ते थे तो उसमें एक कांस्टेंट आता था, उसे फिजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। मैं आपको यहां पर लिस्ट दिखा रहा हूं कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स की जो कि हमारी यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, और इनमें है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हमें न्यूटन ने दिया, जिसे हम जी कहते हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसका अहम किरदार है। तो इसकी जो वैल्यू मैंने आपको लिखी हुई है, अगर आपके पास दो मैसेज है M1 और M2, तो उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में वो होगी F। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि ग्रेविटी की फोर्स बहुत वीक फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर चेंज की जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगी। मैं आपको यहां पर एक मौजना दे रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज्यादा वीक है। तो सपोज हम अज्यूम करते हैं कि एक सिनेरियो में ग्रेविटेशनल फोर्स जी नॉट है, तो जो वीक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 10^31 टाइम्स स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स को देखा जाए तो 10^37, एक के साथ अगर 37 सिफर लगाएं तो इतने गुना पावरफुल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स ग्रेविटी की फोर्स से, और स्ट्रांग फोर्स 10^40, जिसे हम 10,000 billion टाइम्स स्ट्रॉन्गर कहेंगे ग्रेविटी की फोर्स से। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि इन चारों फोर्सेज में सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जब हमने सिमुलेशंस की तो हमें पता चला कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को और इनडायरेक्टली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को 10^34 यानी 1 part in 10^34 पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पर 33 जीरोज हैं और फिर आपके पास एक वन है, टाइम्स अगर हम इसको चेंज करें तो हमारी कायनात में ज़िंदगी नहीं रहेगी। सितारे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया है ग्रेविटेशनल फोर्स को, सितारे बहुत जल्द हीट अप हो जाएंगे। यूनिसेलुलर लेवल तक तमाम लाइफ ख़त्म हो जाएगी, प्लैनेट्स के साइज बहुत छोटे रह जाएंगे। ये तमाम चीज़ें उस सिमुलेशन के रिजल्ट में बताई गई हैं, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर दिया जाए तो सितारे प्रॉपरली हैवी मेटल्स को, हैवी एलिमेंट्स को बर्न आउट नहीं कर सकेंगे, फ्यूजन का रिएक्शन सितारों में पूरा नहीं हो सकेगा। इससे एक नुकसान हमें ये भी होगा कि हैवी मेटल्स हम तक ज़मीन पर नहीं पहुंच सकेंगी, तो लाइफ तो होगी नहीं। लेकिन किसी वजह से अगर लाइफ हो भी जाती तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती। मैं आपको यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन दिखा रहा हूँ जिसमें आपको एक चैनल ट्यून करना पड़ता है। इसी तरीके से ग्रेविटी की वैल्यू हमें बहुत छोटे लेवल पर जाके 10^-34 पार्ट्स में जाकर ग्रेविटी की एक्यूरेसी चाहिए होती है। इस लेवल पर भी अगर ग्रेविटी हल्की सी चेंज होती है तो उसके इफेक्ट हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा होंगे, और लाइफ पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। अब सोचने की बात यह है कि ग्रेविटी की ये वैल्यू हमारी कायनात ने कहाँ से ली। चलें एक और फिजिकल कांस्टेंट की बात करते हैं जिसे हमें बताया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशंस में हमें एक फिजिकल कांस्टेंट दिया जिसका नाम था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं, और उसे लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और लैम्डा हमें यह बताता है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स में एक एंटी ग्रेविटी फोर्स मौजूद है जो कि हमारी कायनात को फैला रही है। सबसे पहले इसे हबल ने डिस्कवर किया था अपनी टेलीस्कोप के जरिए, और फिर उन्होंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पेस, हमारी यूनिवर्स फैल रही है, और उसकी वजह लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे बहुत ज़्यादा होगी, हमारी स्पेस या हमारी कायनात बहुत तेज़ी से फैलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता कायनात अपने अंजाम को चली जाएगी। ये तमाम सिमुलेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमुलेशन डॉक्टर रॉबिन कॉलिंस ने किए हैं, जो कि एक फिलोसफर है और अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर डार्क एनर्जी की वैल्यू को हम कम कर देंगे तो ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि तमाम चीज़ें वापस अपनी तरफ को खींच लेगी हमारी यूनिवर्स, और हमारी यूनिवर्स कलेप्स कर जाएगी, जिसे हम बिग क्रंच कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डार्क एनर्जी किस लेवल तक हमारी यूनिवर्स पर असरअंदाज करती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये बड़े बड़े साइंसदान
जिस तरह डॉक्टर लेनर्ड सस्कन हैं, स्टीफन हॉकिंग्स हैं, उन तमाम के इंटरव्यू से मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं और वो ये बताते हैं कि अगर 10^-120 पार्ट्स में भी एक चेंज कर दी जाए तो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, ये इतनी ज़्यादा चेंज हमारी कायनात में करेगा कि हमारी कायनात में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। 10^-122, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 121 और फिर 1 1, और यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। तो हमने सिर्फ दो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को देखा, ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट कहा जाता है, उनकी वैल्यूज किस लेवल पर जाकर भी अगर हम चेंज करें तो हमारी कायनात में लाइफ नहीं होगी और कुछ सूरतों में हमारी कायनात ही बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरी तरफ, तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैंने बताया था कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हम ये समझते थे, आज से 100 साल पहले इंसान ये समझता था कि कायनात हमेशा से, और क्योंकि कायनात हमेशा से है इसलिए कायनात की शुरुआत पर गौर नहीं किया गया। लेकिन फिर हबल ने हमें बताया कि कायनात फैल रही है, और उसके साथ साथ साइंसदानों ने बताया कि अगर कायनात फैल रही है वक्त के साथ साथ, तो अगर वक्त में पीछे चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कायनात बिल्कुल एक नुक्ते में जमा हो चुकी होगी, और वही हिस्सा, वही वक्त हमारी कायनात का स्टार्ट होगा, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और ये टाइम आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले था, साइंसदानों ने कैलकुलेट किया। लेकिन वो पॉइंट जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, उसमें भी एक स्ट्रक्चर मौजूद था जिसके फटने की वजह से बिग बैंग हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जाइगोट, जब एग और स्पर्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो जाइगोट बनता है, अंडा बनता है, और उस अंडे में भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है अगर उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए, और फिर उससे आगे लाइफ शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट पर जब बिग बैंग होना था, मैस और एनर्जी की एक खास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर इस सिंगुलैरिटी में, इस पॉइंट में मौजूद था, और उसकी वजह से हमारी कायनात ऐसी है जैसे कि आज हम देख रहे हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता तो हमारी कायनात और तरीके की होती। और यही चीज हमें सर रॉजर पेनरोज ने बताई, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने जब ये कैलकुलेशन की कि कितनी पॉसिबल यूनिवर्सेस बन सकती थी अगर इनिशियल कंडीशंस डिफरेंट होती, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है इसके जो चांसेस हैं वो 1/10^10 × 123, इतने कम चांसेस थे कि हमारी ये यूनिवर्स पैदा हो सकती, बन सकती। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या बताती है। चले मैं यहाँ पर एक तीर लेता हूँ, डार्ट्स लेता हूँ, एक छोटा सा डार्ट लिया मैंने, और कायनात की एक तरफ पर ये डार्ट मैं निशाना ले रहा हूँ इसका, और हमारी पूरी यूनिवर्स जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, वो तमाम कायनात की दूसरी तरफ एक छोटी सी पेनी है, सिक्का है, और मैं यहाँ से पूरा निशाना लेता हूँ और इस डार्ट को मारता हूँ, तो जितने चांसेस हैं कि ये डार्ट जाकर सीधा इस पेनी में लगेगा, उतने ही चांसेस थे कि उस वक्त आज से 14 बिलियन साल पहले जो एक्सप्लोजन हुआ, पॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उससे हमारी कायनात निकलती बाहर, जिसमें लाइफ को परवान चढ़ाया जा सकता है, जिसमें लाइफ आ सकती, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर पेनरोज ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की, उन्होंने किताब भी लिखी, और उनकी किताब और इन प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली। बहुत से लोग हैं जो कि फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताते हैं, और वो हमें बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स की ट्यूनिंग तीन तरफ से हुई है, चौथी तरफ से भी हुई है, लेकिन उसको मैं इस प्रेजेंटेशन में नहीं लेके आ रहा है। ट्यूनिंग ऑफ लॉज ऑफ नेचर हुई है, ट्यूनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिक्स हुई है, और ट्यूनिंग ऑफ इनिशियल कंडीशंस हुई है। इसके अलावा जो हमारी बायोलॉजी है उसकी ट्यूनिंग को मैंने इस प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं किया। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि तकरीबन सारे साइंसदान ये तो समझते हैं कि हमारी यूनिवर्स की ट्यूनिंग हुई है, लेकिन वो ट्यूनिंग किसने की इस पर बहुत बड़ा इख्तलाफ है, ये वो कैसे हुई इस पर भी इख्तलाफ है। तो इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि ये समझता है कि ये ट्यूनिंग एवोल्यूशन की वजह से हुई, आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूनिवर्स ने इवॉल्व किया, बल्कि उससे पहले जो कंडीशंस थी उन्होंने भी इवॉल्व किया। तो हमारे पास यहाँ पर तीन किस्म के हाइपोथेसिस आ जाते हैं, पहली है एवोल्यूशन नेसेसिटी, सेकेंड है चांस, बाई चांस हो गया, और तीसरा है कि इंटेलिजेंट डिजाइन है, कोई क्रिएटर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बाई चांस की। बहुत कम साइंसदान समझते हैं कि बाई चांस, खुशकिस्मती से लाइफ
इस यूनिवर्स में आ गई, क्योंकि जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा कम है, इसलिए बहुत से साइंसदान इस तरफ देखते भी नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त फेमस हाइपोथेसिस है जिस पर बहुत सारे साइंसदान जा रहे हैं, वो है मल्टीवर्स का हाइपोथेसिस। हमने ये बताना है कि आखिर क्या चांसेस हैं कि हमारी कायनात को ऐसे फिजिकल लॉज मिलें जो कि बहुत वेल ट्यून्ड हों, ऐसे फिजिकल कॉन्स्टेंट मिलें, उसकी इनिशियल कंडीशन ऐसी हो कि यहाँ पर लाइफ एक्सेल कर सके। इसके मुकाबले में एक और थ्योरी दी गई जिसमें बताया गया कि हमारी कायनात अकेली नहीं है बल्कि हमारी कायनात जैसी बहुत सी कायनातें हैं। मसलन यहाँ पर देखें कि अगर ब्लू कायनात में हम यूनिवर्स में रह रहे हैं तो हमारे पास एक और कायनात है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर और इन तमाम कायनात में अलग अलग ट्यूनिंग हुई हुई, अलग अलग लॉज ऑफ नेचर हैं, अलग अलग इनिशियल कंडीशंस हैं और अलग अलग फिजिकल कांस्टेंट हैं। जिस तरीके से रेडियो में मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं तो आपने किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप उन स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो स्टेशन भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर चार लेवल की यूनिवर्स होती हैं जिस पर मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ। इनमें आपको यहाँ पर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे, मैथमेटिकल यूनिवर्स भी नज़र आएगी आपको, क्वांटम यूनिवर्स भी नज़र आएगी जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर मैं इस कायनात में एक इंजीनियर हूँ तो मैं एक और कायनात में क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, तो जो जो मैं सोच सकता हूँ, जो जो आउटकम हो सकती हैं, इन्फिनिट कायनात यूनिवर्स में मौजूद हैं और उन तमाम इन्फिनिट यूनिवर्स में इन्फिनिट दुनिया है और उनमें मेरी मुख्तलिफ किस्म की आउटकम्स पॉसिबल हैं। MIT के बहुत बड़े साइंसदान मैक्स टैगमार्क है जो कि कहते हैं कि यूनिवर्स एक्चुअली एक मैथमेटिकल सिमुलेशन है और इस सिमुलेशन में हम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि वीडियो गेम में करेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, और इस सिमुलेशन के जितने भी लॉज हैं वो फिजिक्स की जुबान में और मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखे गए हैं, और इस सिमुलेशन को कुछ लोगों का ख्याल है कि एलियंस रन कर रहे हैं। इन तमाम थ्योरीज को अगर सिंपल करके बताया जाए तो हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्सल जनरेटर है जो कि मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सेस दे रहा है जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लॉज ऑफ नेचर, तो आपको हर किस्म की यूनिवर्स यहां से मिल रही है और ये जनरेटर धड़ाधड़ यूनिवर्स बनाए जा रहा है और उन यूनिवर्स में कुछ यूनिवर्स में लाइफ हो सकती है कुछ में नहीं। कितनी यूनिवर्स ये बना रहा है, कितनी यूनिवर्स ये बना चुका है उस पर एक बहुत ज़्यादा स्टडी हुई और उस स्टडी में जो नंबर आया वो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आपको यहाँ पर मल्टीवर्स में जो नंबर ऑफ यूनिवर्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं 10^10^7 इतनी यूनिवर्स मौजूद हैं और उन तमाम यूनिवर्स में ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये मुख्तलिफ होंगे और ये भी हो सकता है कुछ नए लॉज हों, कुछ नए कांस्टेंट्स हों, कुछ नए इनिशियल कंडीशंस हों। बहुत से फिलोसोफर फिर एक और सवाल उठाते हैं और सवाल ये उठाते हैं कि इस यूनिवर्स जनरेटर के ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं, उनकी फाइन ट्यूनिंग भी हुई होगी क्योंकि वो हर किस्म की यूनिवर्स बना रहा है, उसका डिज़ाइन भी होगा, तो फिर उसका डिज़ाइन कहाँ से आया, उसके ट्यूनिंग पैरामीटर्स कहाँ से आए? ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक लेवल ऊपर जाकर वही सवाल दोबारा पूछना शुरू हो गए। ये वो सवाल है जिस पर अभी बहुत डिबेट हो रही है क्योंकि मल्टीवर्स किसी ने देखी नहीं। मल्टीवर्स एक हाइपोथेसिस है जिस तरह फाइन ट्यूनिंग एक हाइपोथेसिस है, तो इस सवाल पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो दूसरा तबका है जिसमें बहुत से थियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये तमाम डिज़ाइन किसी इंटेलिजेंट डिज़ाइन का हिस्सा है, ये डिज़ाइन किसी ने किया है, लॉज ऑफ नेचर किसी ने दिए हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट किसी ने दिए हैं, इनिशियल कंडीशंस किसी ने दिए हैं, हमारे पास इन्फिनिट यूनिवर्स नहीं है बल्कि क्रिएटर ने इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को, लॉज को हमारे लिए, लाइफ के लिए फाइन ट्यून किया है और ये काम एक क्रिएटर का है जिसने ये तमाम चीज़ें बनाई हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर तीनों सिनेरियोज रख दिए हैं, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। साइंस में पीछे होने का हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि हम इनमें से किसी हाइपोथेसिस में वॉर नहीं कर रहे, और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि साइंस को मज़हब के खिलाफ समझने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें थियोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो मज़हब और साइंस को स्टडी करते हैं और एक क्रिएटर की तरफ इस तमाम चीज़ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।